भारतातील क्रिकेटचे पहिले सुपरस्टार, ज्यांनी भारताला पहिला वहिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिंकून दिला, ज्यांनी भारतात खऱ्या अर्थानं क्रिकेटची क्रांती घडवली आणि जगातील सर्वोत्तम ऑलराऊंडरपैकी एक असलेले भारताचे माजी कॅप्टन कपिल देव आपल्याबरोबर आहेत. त्यांचं करिअर आणि क्रिकेटबाबत आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया. सर, कपिल देव का नाम लिया जाता है तो सब देशवासियों के सामने पहली एक तस्वीर आती है 83 वर्ल्ड कप में, जब लॉर्ड्स के गैलरी में आपने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थमाई हुई है. हालांकि यह सवाल आपको सबने पूछा होगा, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए फिर से मैं वही सवाल पूछूंगी, उस वर्ल्ड कप की यादें आपके जहन में हमेशा कौन सी रहेगी? देखिए, जब आप वर्ल्ड कप जीतते हैं तो किन किन चीज़ों के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, यही कि वो बहुत ही एक बड़ा समय था सारे हमारे खिलाड़ियों के लिए, देश के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप किसी ने सोचा नहीं था क्रिकेट का वर्ल्ड कप हम जीत सकते हैं, तो वो एक तब्दीली आई थी क्रिकेट में, तो ये सबसे बड़ी बात थी. सर, हमेशा ऐसी बात होती है कि दो फॉर्मेट के लिए एक कैप्टन हो, आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये कौन कहता है. अगर वो कप्तानी कर सकता है और खेल सकता है तीनों फॉर्मेट तो गुड लक टू हिम, पर ये नहीं मैं चाहता कि वो तीनों फॉर्मेट खेले, कोई और कप्तान उनकी जगह हो. मुझे ऐसा नहीं लगता कि नहीं हो सकते. शायद बाकी कप्तान जो रहे हैं वो शायद सिर्फ टेस्ट मैच में कप्तानी करना चाहते हैं, लेकिन अगर एक कप्तान की जगह तीनों टीमों में बन सकती है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. फिर से आपके करियर के तरफ जाते हैं, आप जब खेल रहे थे आपके और सुनील गावस्कर के बीच में मतभेद होते रहते हैं खेल के कारण, अभी भी वो कड़वाहट है या सब कुछ भूल चुके हैं आप दोनों? मिलते ही नहीं है. अच्छा. गावस्कर साहब मिलते ही नहीं है, बड़ी कोशिश करते हैं कि हम उनको मिलें, मिलते ही नहीं है. तर कपिल देव यांनी आपल्या नेहमीच्या दिलखुलास शैलीमध्ये आपल्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर मोकळेपणाने देत झी 24 तासच्या दर्शकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रकाश बुवासह मेघा कुशिक, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.